एक फंक्शन में आपको और बता देती हूँ, साइज ऑफ क्यू के लिए आप लोग चेक कर लीजिए। साइज ऑफ क्यू के लिए ये एक डेटा स्ट्रक्चर्स का डेटा स्ट्रक्चर हमारे पास है, क्यू का डेटा स्ट्रक्चर। उसका अगर हमें साइज चेक करना है तो हम कैसे चेक करते हैं? हमने साइज ऑफ क्यू, ये इंटेजर इसकी रिटर्न टाइप है, क्योंकि कोई ना कोई साइज दे रहा होगा, इंटेजर में ही दे रहा होता है वैल्यू। इसका फार्मूला क्या है? रियर माइनस फ्रंट प्लस वन, ठीक है, रियर माइनस फ्रंट प्लस वन। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखी हैं आप लोगों को दिखाने के लिए। लेट सपोज मेरा एक फाइव साइज का क्यू है, उसमें मैंने 1, 5, 6, 9, 10 ये एलिमेंट इंसर्ट करवाए हुए, इंडेक्सेस की ये हैं। तो रियर इस वक्त यहाँ पर है और फ्रंट यहाँ पर है, क्यों? क्योंकि हमारी कुछ भी वैल्यू डी क्यू नहीं हुई हुई और रियर में हमारे पास इंसर्शन हुई हुई है। तो रियर हमारा 4 है, फ्रंट हमारा 0 है, प्लस 1 इक्वल्स टू 5। तो साइज हमारा क्या था? 5। तो ये हमारा फार्मूला सही चला इस क्यू के लिए। अब हम देखें, हमारी लेट सपोज इतनी क्यू फुल है, बाकी एम्प्टी है। तो रियर हमारा 2 है, फ्रंट हमारा 1 है। तो अब हम लोग ने चेक करना है हमारा साइज़ क्या है। इस वक्त 3 है क्यू का साइज़, फ्रंट हमारा 0 है, रियर हमारा 2 है। 2 माइनस 0, फ्रंट माइनस रियर माइनस फ्रंट हो रहा है, प्लस 1 हो रहा है, इक्वल टू 3। इसके लिए भी सही चल गया, हमारा साइज 3 था। अब हम देखते हैं, अगर लेट सपोज हमारा एक एलिमेंट डी क्यू हुआ हुआ है, यह हमारा फ्रंट है, यह हमारा रेयर है, ठीक है। साइज़ हमारी इस वक्त क्यू का क्या है, एरे का हमारा साइज़ 2 है। तो फ्रंट हमारा 1 है, रेयर हमारा 2 है। तो 2 माइनस 1 प्लस 1 क्या हो गया? 2। तो साइज़ हमारा क्या है? 2। इसका मतलब ये फार्मूला यहाँ पर भी सही चलेगा। तो क्लास इसका बताने का मतलब ये है कि साइज़ ऑफ क्यू जब भी आप चेक करेंगे इस फार्मूला से चेक करेंगे, और ये रियर माइनस फ्रंट प्लस वन हर कंडीशन में आपको ट्रू आंसर देगा। आपने देखा डी क्यू के वक्त भी फ्रंट जहाँ पे भी पहुँचा हुआ था, उसके बाद भी रियर जहाँ पे भी था, आपने उससे उसके अकॉर्डिंगली भी साइज़ चेक करके देख लिया, तो आपका आंसर बिल्कुल साइज ऑफ क्यू बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहा है, ठीक है।